और ये अंदर की हालत देखो आप, ये देख रहे हैं जितना भी रिजर्वायर में ऑयल भरा हुआ था पूरा ऑयल इसके गियर बॉक्स के ऊपर ही बह गया है, ये देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ियों का जो क्लच सिलेंडर होता है उसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो आज अपने पास आई है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर ऑटोमेटिक, और गाड़ी में जो है प्रॉब्लम ही आई है, उसका क्लच सिलेंडर जो है वो लीक हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ी के जो गियर हैं वो भी चेंज नहीं हो पा रहे। तो हम जो है उसकी पूरी एक्चुएटर असेंबली जो है उसको हम खोल के बाहर निकालेंगे एंड उसका जो क्लच सिलेंडर है उसको हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि उसकी जो किट है वो हमें बाहर से मिल जाती है। तो हम जो है उसका पूरा किट जो है उसको हम चेंज करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जो है इसमें देखिए, यहाँ पे इसका जो बैटरी पैनल वगैरह था एंड बैटरी वगैरह हमने हटा दिया है, और इसके जो कपलर हैं वो हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका बैटरी पैनल और ये देखिए बैटरी वगैरह जो है इसको साइड में निकाल के रख दिया है। तो अभी जो ऊपर की इसकी वायरिंग है उसको हम पूरा निकाल रहे हैं। वायरिंग निकालने के बाद में क्या है, उसमें अंदर हमें स्पेस मिल जाएगा, जिससे जो एक्चुएटर असेंबली है उसको हम इजीली बाहर निकाल सकें। तो उसके लिए इसका ECM का वायर वगैरह जो है एंड फ्यूज बॉक्स से जो वायर रहता है उसको पूरा हमें निकालना होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने निकाल के जो है इसको साइड में कर दिया है, और अभी जो है ये देखिए यहाँ पे इसमें एक पट्टी लगी रहती है जिसमें जो वायरिंग का लॉक है वो उसमें बैठता है। तो उस पट्टी को भी हम खोल के लेंगे बाहर। तो देखिए नीचे इसका 10 नंबर का बोल्ट रहता है, वो पट्टी के साथ में पूरा खोल के लेंगे हम उसको। और इसके अंदर साइड में भी बोल्ट रहेंगे, उसको भी हमें खोलना है। ये देखिए इस जगह पर रहता है। तो अभी जो है सारी वायरिंग वगैरह हमने हटा दिया है, इसके जितने भी कपलर थे हमने सारे रिमूव कर दिए हैं। और अब जो है इसका जो एक्चुएटर की असेंबली है इसमें भी 2-3 बोल्ट रहेंगे, वो बोल्ट को हम खोल के लेंगे, जिससे जो है असेंबली पूरी बाहर आ जाएगी। तो इसका जो अंदर साइड का बोल्ट है उसको हम खोल लेते हैं पहले। तो अभी सारे बोल्ट वगैरह हमने खोल लिया है, और अब जो है इसकी असेंबली है इसको जो हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये इसकी एक्चुएटर असेंबली जो है उसको हम बाहर निकाल लिए हैं। ये देखिए इसका सिलेंडर जो है इसके नीचे साइड में रहता है, और ये अंदर की हालत देखो आप, ये देख रहे हैं जितना भी रिजर्वायर में ऑयल भरा हुआ था पूरा ऑयल इसके गियर बॉक्स के ऊपर ही बह गया है, ये देखिए। अभी जो है इसका ऑयल जो है इसको हम अच्छे से क्लीन कराएँगे पहले एंड डीजल और पेट्रोल से इसको वॉश कराएंगे, उसके बाद में ही हम इसकी असेंबली जो है इसमें वापस बिठाएंगे। तो ये जो इसके आगे का एंकर लॉक लगा रहता है ये वाला, सबसे पहले हम इसको निकाल के लेंगे, और अभी जो है इसके ऊपर का है बूट लगा है इसको हम हटा लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अंदर साइड में इसकी जो कैप लगी रहती है उसके कैप के ऊपर हमें एक लॉक रहता है, उसको लॉक को निकालना है। तो ये लॉक को हमने निकाल लिया है एंड ये जो कैप है इसको हम अभी बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारा पिस्टन लगा होता है सिलेंडर का, ये देखिए। और ये इसका पुराना वाला जो पिस्टन है ये देखिए, इसको हमने अभी बाहर निकाल दिया है, और अब हम इसमें न्यू वाला पिस्टन इंस्टॉल करेंगे।
बट उसके पहले इसके अंदर जो है एक छोटी सी ऑयल सी लगी रहती है आगे साइड में, उसको निकाल लेते हैं। और ये MGP की पूरी किट है, असेंबली जो है मैंने मंगा लिया है, 4920 रुपये MRP है इसकी। देखिए MGP का है, मारुति का जेन्युइन पार्ट है। तो अब जो है इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अब जो है हम नया वाला पिस्टन जो है इसको इंस्टॉल करते हैं उसमें। बट उसके पहले जो है इसके ऊपर एक छोटी सी ऑयल सी लगती है, उसका हमें ध्यान रखना है। उसका जो ओपन वाला भाग होता है वो सिलेंडर के साइड में जाएगा एंड जो बंद वाला भाग रहता है वो अंदर एक्चुएटर में बैठता है, तो ये चीज़ का आपको बरोबर ध्यान रखना है। तो अब जो है इसका जो पिस्टन है उसको हम एक्चुएटर में असेंबल करते हैं। तो ये देखें मैंने पिस्टन के ऊपर ही जो है इसका ऑयल सील जो है उसको साथ में बिठा लिया है। कुछ लोग जो है इसको पहले ऑयल सील जो है इसको पहले भी बिठा देते हैं, इसको डाइवर वगैरह से अंदर दबा देते हैं, उसके बाद में जो पिस्टन है उसको बैठाते हैं। बट जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा बैठा सकते हैं, मुझे इस तरह से ईजी लग रहा है। ये देखें मैंने इसमें ऑयल सील के साथ में बिठाया है। तो ये जो पिस्टन है हमारा इजीली बैठ गया है इसमें, देखिए ठीक है। और इसको हम खींच के रखेंगे एंड इसके पीछे साइड जो इसका कैप है उसको हम वापस लगा लेंगे उसमें। तो ये इसकी कैप है, कैप को हम वापस इसके अंदर बिठा देंगे। और अभी जो है इसके ऊपर एक लॉक लगता है, उस लॉक को भी लगा देंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये हमारा लॉक जो है इसमें बैठ गया है। अब जो है इसके ऊपर जो बूट लगता है इसका, वो बूट को हम लगा लेंगे इसमें। ये इसका बूट है, डस्ट बूट, इसको हम इसमें बिठा लेते हैं। और अभी जो इसके ऊपर का छोटा सा लॉक लगता है, ये लॉक को भी हमें बिठा लेना है। ये पहले छोटा वाला लॉक इसके अंदर डालेंगे एंड फिर बड़ा वाला लॉक जो है वो इसके पीछे से लाके इसको दबा देंगे, तो ये लॉक हो जाएगा इसमें। तो अभी जो है ये सिलेंडर सेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है ये पूरा एक्चुएटर असेंबली है, इसको हम बिठाते हैं। ये इस पर जो ऑयल वगैरह गिरा था इसको हम अच्छे से क्लीन करके लेंगे, पहले सारा ऑयल साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में इसको पेट्रोल या डीजल से अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद में जो है हम उसका एक्चुएटर असेंबली जो है उसको हम बिठाएंगे इस पर। तो अभी जो है असेंबली हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ये देख पा रहे होंगे आप, इसको मैंने अच्छे से बिठा दिया है इसमें। और इसके जो सारे बोल्ट हैं वो हमने इसमें फंसा दिए हैं। तो अब जो है इसके सारे बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेंगे एंड जो जो वायरिंग हमने रिमूव किया था उसको भी हम वापस इसमें अच्छे से बैठा देंगे। यहाँ पे आगे साइड में एक छोटा सा ब्रैकेट लगता है जिसमें हमारा जो वायरिंग है उसका लॉक जो है उसमें बैठता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, उसको बैठा लेना है उसमें। तो इसका जो है फटाफट जो है वायरिंग पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी देखिए इसमें जो है लगभग में वायरिंग सारी लग गई है और इसके बोल्ट वगैरह जो हैं उसको हम अच्छे से अभी फुल टाइट कर लेंगे।
और अभी जो है फाइनली सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया इसमें। और अब जो है हम इसमें एक बार स्कैनर की हेल्प से इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो फंक्शन है उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। तो अभी जो है हम इसको स्कैन कर लेते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए ऑटोमेटिक जो है स्विच कर रहा है। तो सिलेंडर जो है हमारा अच्छा काम कर रहा है, कहीं से भी हमें लीकेज नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए हम आपको जो है गाड़ी में अंदर चल के दिखाते हैं। तो अभी जो है गाड़ी को स्टार्ट कर ले रहे हैं और ये हमारी न्यूट्रल मोड में है, रिवर्स में आ गई। गाड़ी के गियर जो है एकदम स्मूथ हो गए। ये देखिए हमारी ड्राइव मोड में आ गई है। ठीक है, तो जो काम था हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। यही सिलेंडर की वजह से जो है इसके गियर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी जो है प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।